हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल डूबर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं यहाँ ssc.nic.in पे। फ्रेंड्स, यहाँ लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, इसके अलावा हेल्थ इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं जो ऑल इंडिया के लिए जॉब है। फ्रेंड्स, आपको आना है ssc.nic.in पे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो इसका डिटेल क्या क्या दिया हुआ है तो सारा आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे नीचे आप आएंगे इसको ओपन करके, तो यहाँ देखिए इसका न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ आया हुआ है। तो 6 अगस्त के डेट पे आप देखेंगे फेस 7 2019 सिलेक्शन पोस्ट, इसका पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए इसका पीडीएफ पहले देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ डाउनलोड हो रहा है इसका पीडीएफ। फ्रेंड्स, डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स अब इसको ओपन कर लेते हैं और पीडीएफ में देख के बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और इसका ऑनलाइन एग्जाम कैसे आपको, सॉरी, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है। फ्रेंड्स, इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक कुछ समय बाद डाल दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फ्रेंड्स। और इससे पहले, आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और साथ में चलिए एक स्किप, बिना स्किप किए आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या क्या बताया गया है। तो ये ओपन हो चुका है फ्रेंड्स हमारा पीडीएफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन 6/8/2019 से लेके 31/8 तक करना है आपको, और उसका जो अप्लीकेशन का रिसिप्ट आपको मिलेगा वो 31/8/2019 को शाम के 5 बजे तक, उससे उसके बाद नहीं हो सकता है। और उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है फ्रेंड्स वह 2 सितंबर 2019 तक शाम तक करना है, और जो ऑफलाइन चालान भी जनरेट जो कर सकते हैं और 2/9 तक कर सकते हैं। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वह 14/10/2019 से लेके 18/10/2019 तक होना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पूरा पीडीएफ है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसको शॉर्ट में आपको, चलिए मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए, एसएससी जो रीजन होते हैं और या यूटीएस या जिसको स्टेट्स बोलेंगे, अलग अलग स्टेट्स में, तो और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा और एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिस, वेबसाइट्स के भी दिए हुए हैं और साथ में उनके एग्जामिनेशन सेंटर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ बिहार एंड उत्तर प्रदेश का सेंट्रल रीजन, जिसमें प्रयागराज और पटना में एग्ज़ाम होना है। और इधर आपका फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, www.ssc-cr.org। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे के लिए कोलकाता, भुवनेश्वर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम सिटी हैं, आप यहाँ देख सक रहे हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ जो शॉर्ट नेम दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, तो यह भी इसको यहाँ बताया जा रहा है। इसके नीचे अब जाएंगे तो नेशनलिटी, तो कैंडिडेट को मस्ट इधर ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान। तो फ्रेंड्स आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन का फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस इसमें 100 रुपीज़ होगा फ्रेंड्स, और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए और वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए, ये सारे के लिए, या एस सी कैटेगरी से रिजल्ट ट्राइव ST, वो सारे के लिए फीस पेमेंट्स फ्री है। और फ्रेंड्स जो ऑनलाइन फीस पेड करना है वह 2/9 तक करना है, इसके बारे में मैंने बता चुका, ऑनलाइन करना है आपको। और चलिए अब आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप नीचे एनेक्सर यहाँ दिया हुआ है, फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस प्लीज रेफर एनेक्सर, नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको बताऊंगा। ssc.nic.in पे आना है और यहाँ आके कैंडिडेट एडवाइस टू ऑन इंटरेस्टेड सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, से पहले आपको कर लेना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट द अप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग एंड सेम अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स ड्यू सेल्फ अटेस्टेड एज द वेन कॉल्ड बाई द कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। के बाद जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उस टाइम आपको ये काम करेगा, इसलिए आप अपना अप्लीकेशन को प्रिंट करके रखेंगे।
अब इसमें एसेशनल क्वालिफिकेशन अब क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, ये सारे आपको अभी बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें एज लिमिट एंड रिलेक्शंस अपर एज में लिमिट, तो एससी एसटी के जितने हैं उसमें 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, जो हैंडीकैप है उनको 10 ईयर्स, और हैंडीकैप ओबीसी हैं उनको 13, एंड फिजिकल हैंडीकैप प्लस एसटी एससी उनको 15 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलेगा, जो उसमें अपर एज दिए रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली, तो इसके लिए अप टू 40 ईयर एज है, और जिसमें 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस अनड्यू, तो ये सारे दिए हुए हैं। अब नीचे आते हैं कैंडिडेट सिंकिंग फॉर कॉन्सर्न एयर्स एज रिलेक्शन, उसके लिए दिए हुए हैं नीचे एनेक्जर, कौन से एनेक्जर में उनको एस टी एस सी उनके कास्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रेंड्स, और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए भी। अब स्क्रॉल करके मैं नीचे जल्दी से जाता हूँ फ्रेंड्स, और आपको बताता हूँ कि पोस्ट क्या क्या और कहाँ आए हुए हैं और कितनी उसकी संख्या है फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वह 200 मार्क के आएंगे, जिसमें से टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट, 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 11। तो फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 100s, और 100s के लिए आपको मिलेंगे मात्र 60 मिनट्स। एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 जो 50 मार्क के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 25 जो 50 मार्क के रहेंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स जो बेसिक अर्थमेट्रिक स्किल है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। और पर क्वेश्चंस मार्क में निगेटिव मार्किंग 0.5 अर्थात 1/4 होना है, और मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। नोटिस दिया हुआ है उसके हिसाब से उसमें किया जा सकता है फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन के बाद। और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और मेट्रिकुलेशन लेवल, जनरल इंटेलिजेंस जो मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए है उसके लिए मेट्रिकुलेशन लेवल का आएगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड 10+2 के लिए जनरल इंटेलिजेंस, और सारे उनके सिलेबस यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। अलग अलग जो लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के लिए क्या क्या जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस आने वाले हैं, ये सारे एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर देम सेल्फ रिस्पॉन्स द एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट टाइम हु एज एप्लीकेशन आर फाउंड विद द ऑर्डर एंड प्रोविसली एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस नोटिस एग्जामिनेशन विल बी अगेंस्ट रोल नंबर एंड इशू एडमिशन सर्टिफिकेट्स। एडमिशन सर्टिफिकेट्स वहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, और जब आप एग्जाम्स देने आएंगे तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होना चाहिए वो फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, ये सारे, एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में आपको बाद में बताऊँगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बाद में बताऊँगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जाते हैं अब इसके कौन कौन से पोस्ट हैं उसके बारे में यहाँ जाके हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो स्क्रॉल स्क्रॉल करके मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ, और जहाँ पोस्ट दिया है वहाँ पहुँचता है। यहाँ एनेक्सर सब दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिस एनेक्सर पे आपको फिलअप करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आ चुका है वैकेंसीज, अब इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला है सीनियर सर टेक्निकल असिस्टेंट्स, ग्रेजुएशन एंड अबव है, इसमें टोटल 1 ओबीसी का पोस्ट है। और फ्रेंड्स इसको मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ, और आप इसमें देख सकते हैं, मैं केवल अभी आप लोगों को बताऊँगा, वो भी सिर्फ मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे MTS MA, इसके नीचे है 15 नंबर पे फ्रेंड्स, आप यहाँ 15 नंबर पे देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट्स, जिसमें मेट्रिकुलेशंस चाहिए, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। फिर इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं, तो यहाँ फिर से लेबोरेटरी अटेंडेंट्स,
यहाँ आ चुका है, ये भी मैट्रिकुलेशंस, इसके टोटल एक पोस्ट हैं। इसके नीचे रिसर्च असिस्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें आपको ग्रेजुएशंस चाहिए। इसके नीचे फिर से स्क्रॉल करते हुए जानते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं, फिर से यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, जिसमें 18 से 27 चाहिए फ्रेंड्स, जिसमें हायर सेकेंडरी चाहिए। फिर से यहाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन 18 से 27, जिसके टॉप टू पोस्ट हैं। फिर से यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, लेबोरेटरी अटेंडेंस आ गया है, एंड यहाँ लेडी मेडिकल अटेंडेंस, जिसमें 11 पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे जिसमें मैट्रिकुलेशंस चाहिए ये। और इसके ऊपर आप देखेंगे मेडिकल अटेंडेंस हैं। यहाँ फिर से आएंगे तो यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट्स ग्रेड 3 जियोलॉजी हायर सेकेंडरी के लिए चाहिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंस मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशंस लेवल के अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं लेबोरेटरी अटेंडेंस फ्रेंड्स। इसके नीचे ये देखेंगे फोटोग्राफर, जिसके लिए 21 से 25 ईयर मांगा गया है। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स नर्सिंग ऑफिसर्स, जो जिसके टोटल 5 पोस्ट हैं। अब यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन मेडिकल पैथोलॉजी, जिसमें ग्रेजुएशंस एंड एबव मांगा गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 92 पे दिया हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसमें 18 से 28 है और इसका टोटल 1 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ इसके नीचे आएंगे मिडवाइफ, जिसके टोटल 3 पोस्ट दिए हुए हैं। मिडवाइफ भी आया हुआ है, जिसमें एज 18 से 25 है, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। फिर से फ्रेंड्स यहाँ देख सकेंगे आप लेबोरेटरी अटेंडेंस का आ चुका है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स केमिकल्स के लिए है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन फिलअप किया गया है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। फिर से यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट्स आ चुके हैं। यहाँ फिर से लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ भी लेबोरेटरी फ्रेंड्स, इस तरीके से लेबोरेटरीज़ के बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंस मैट्रिकुलेशन चाहिए, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशंस, आपके जो क्वालिफिकेशन रहेंगे वो क्वालिफिकेशंस के लिए आप सभी के लिए अप्लाई रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ मेडिकल का नहीं है ये। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ फार्मासिस्ट का भी 5 पोस्ट आया हुआ है, मैट्रिकुलेशंस चाहिए। फिर से आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेजुएशन एंड अबव चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट जियोलॉजी जियोफिजिक्स, यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पोस्ट आए हुए हैं। और एक और है यहाँ डाइटिशियन ग्रेड 2, जिसमें 18 से 30 है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपको चाहिए।
ये यहाँ जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिसिन सर्विस, मेडिकल सर्विस आर्मी में इसके पोस्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इतने सारे यहाँ पोस्ट आए हुए हैं, आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है इसके बारे में फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, तो फ्रेंड्स उसका डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूँगा उसको जब वीडियो बनाऊँगा तब। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।